मलसी में बच्चों को मिलेंगी जदीद तिब्बी सहूलियात। टीएचक्यू अस्पताल में 80 बेड्स पर मुश्तमिल चिल्ड्रन वार्ड और जदीद नर्सरी का इफ्तिताह कर दिया गया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट मोहम्मद जानजेब खिची कहते हैं कि आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए हर दम कोशा है। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट मोहम्मद जहांजेब खान खिची ने टीएचक्यू अस्पताल मलसी में चिल्ड्रन वार्ड और नर्सरी का इफ्तिताह कर दिया। जहांजेब खान खिची ने इमरजेंसी ब्लॉक, सीसीयू वार्ड, चिल्ड्रन वार्ड, ओपीडी, डिस्पेंसरी समेत दीगर वार्ड का भी दौरा किया। रोही से खसूसी गुफ्तगू में सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि हमारी हुकूमत तालीम और सेहत पर फौरी इकदाम कर रही है। टीएचक्यू अस्पताल मलसी में मरीजों के लिए मुकम्मल सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुकम्मल ब्रीफिंग दी है। फौरी एनेस्थीसिया डॉक्टर को भी तैनात किया जाएगा। यहाँ पर हॉस्पिटल का मजमू तौर पर हमने विजिट किया है और यहाँ पर हमने नर्सरी का और वो यहाँ इफ्तिताह किया इसका, और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इजाफा है हमारे हॉस्पिटल में और इससे हमारे इलाके की आवाम को सहूलत हासिल हो रही है और इसमें हम मजीद कोशिश करेंगे कि मजीद इसमें बेहतरी है और इसको एक्सपेंशन हो इसकी। वजीर ट्रांसपोर्ट ने निजी फलाही इदारे मलसी ब्लड बैंक एंड थैलेसीमिया सेंटर का भी दौरा किया, मरीज बच्चों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। सुबाई वजीर ने कहा कि मंगल को एमएसटीएचक्यू अस्पताल मलसी डॉक्टर अता जफर के साथ मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे, जिसके बाद मलसी ब्लड बैंक एंड थैलेसीमिया सेंटर में 80 से ज्यादा बच्चों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएंगी।